गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास ऑफ गौरव सर। क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी लिंक को पिकअप करें और क्लास में इनरोल हुए, जितना जल्दी हो सके वो क्लास में इनरोल हुए ताकि आगे का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ाया जा सके। आपने आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द फंडे है, जो कि आइसैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है, जो कि आइसैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है, उसको हम आज नेक्स्ट जो आपका स्टेंजा है नए उसको हम पढ़ेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके सभी बच्चे लिंक में ज्वाइन हो जाए और ऑनलाइन क्लास आपकी शुरू हो गई है। आपका जो समय है वो 10 बजे से आपको पहले बताया जाता है। आपका जो समय है वो 10 बजे से होता है, सभी बच्चे 10 बजे तक लिंक ज्वाइन कर लिया करें और इनरोल हो जाए। तो आइए हम अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो आपका चैप्टर है द फंडे है, जो आनंद उन्होंने उठाया उसे प्राप्त किया। ठीक है, तो लिखा हुआ है मे बी ही सेड नॉनसेंसली। मे बी मीन्स होता है संभवतया या शायद। He said nonchalantly. उसने उदासीनता मतलब बिना मन, है ना, ये कहते हैं बेमन से काम करना चाहिए, बिना मन नहीं फिर भी काम करते हैं, तो उसने उदासीनता से कहा। nonchalantly means उदासीनता। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. He walked away, whistling. वह सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने द डस्टी ओल्ड बुक, जो पुरानी, डस्टी मीन्स धूल से भरी हुई, डस्टी मीन्स धूल से भरी हुई, ओल्ड बुक मीन्स पुरानी किताब, टक्ड माने अपनी बाह में दबा लेना, टक मीन्स अपनी बाह में दबा लेना, अपनी आर्म पिट जो होती है आपकी बगल जिसको बोलते हैं उसको दबा लेना उसमें। ठीक है, टक बीनीथ मीन्स नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे हिज आर्म। तो वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में उसने पुरानी धूल भरी पुस्तक को वो दबाकर चला गया। ठीक है, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी विद्यालय कक्ष में गई, स्कूल रूम मीन्स विद्यालय का कमरा जिसे विद्यालय का कक्ष भी कहते हैं। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ठीक है, हमेशा की तरह। इट वाज ऑलवेज एट द सेम टाइम, हमेशा की तरह उसी समय, हमेशा की तरह उसी समय, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, रविवार और शनिवार के अतिरिक्त, यह जो स्कूल का कक्ष है यह प्रतिदिन खुला रहता है। ठीक है, रविवार और शनिवार और रविवार को छोड़कर यह जो हमारा स्कूल का कक्ष है यह हमेशा खुला रहता है, क्योंकि Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. Because क्यों? Because means क्योंकि her mother said little girls कि उसकी माता ने उसकी छोटी बच्ची से कहा है, उसकी माता ने उसकी छोटी बच्ची से कहा है, उसकी माता ने क्या किया है, उस छोटी बच्ची से कहा है कि लिटिल गर्ल लर्न बेटर, कि छोटी बच्ची अच्छे से पढ़ो। ठीक है, छोटी बच्ची
या लड़कियां, ठीक है, गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न रेगुलर हार्स। रेगुलर मीन्स होता है नियमित, तो हार्स 20 घंटे, कि लड़कियां जो हैं वो क्या हैं, लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें, लड़कियां यदि क्या हो, नियमित समय पर पढ़ें, ठीक है, तो वे क्या करती हैं, बेहतर सीखती, लर्न बेटर। यदि लड़कियां नियमित समय, रोज एक रेगुलर समय बना ले पढ़ने का, तो वो अच्छा पढ़ सकती है, जल्दी सीख सकती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो लिट अप मीन्स होता है चमकना, स्क्रीन मीन्स देखते हैं टीवी की स्क्रीन क्या होती है, लिट अप होती है, चमकती है, ठीक है। टीवी की स्क्रीन क्या होती है, जब हम टीवी ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्क्रीन ही लिट अप होती है, चमकती है। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज अंक गणित का पाठ भिन्नों के उचित जोड़ पर है, कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का जो अंक गणित का जो पाठ है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज भिन्नों के, एडिशन माने भिन्न, ठीक है, एडिशन मीन्स जोड़, ऑफ फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, भिन्न। तो आज का जो ये अंक गणित का पाठ है, ये पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या है, भिन्नों के जोड़ पर है, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया अपने गृह कार्य को, प्लीज इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स अंदर डालना, आप जब मोबाइल यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, सिम को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आपके मोबाइल पे लिख कर आता है प्लीज इंसर्ट द सिम, जब आप अपनी सिम को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और मोबाइल चालू करते हैं, तो क्या लिखते हैं, प्लीज इंसर्ट द सिम, इसी प्रकार से लिखा, इंसर्ट मीन्स होता है खांच, ठीक है, इंसर्ट मीन्स क्या होता है, अंदर डालना, और स्लॉट मीन्स होता है खांचा, स्लॉट मीन्स खांचा, देखते होंगे सिम डालने के लिए बने रहते हैं मोबाइल में, ठीक है, तो लिखा हुआ है आपका, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अपना जो कल का गृह कार्य है, ठीक है, उसको उचित खांचे में डाल दीजिए, ठीक है। मार्जी डिड सो विद एसआई, मार्जी ने आह भरी और ऐसा ही किया, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर्स वाज लिटिल बॉय, जब उनके दादा के जो दादा थे वो छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स जितने भी बच्चे थे फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे पड़ोसियों के केम माने आए, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो उन्होंने लाफिंग हंसे और शाउटिंग चिल्लाया इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के बरामदे में वो हंसे और चिल्लाए, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, साथ साथ स्कूल के कक्ष में बैठे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर वो क्या हुए, साथ साथ घर भी चले गए, साथ साथ घर भी चले गए, दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने एक ही प्रकार की चीजें सीखी, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए उन्होंने, सो दे हेल्प वन अनदर, उन्होंने क्या किया, वन अनदर एक दूसरे से सहायता की विद द होमवर्क, उनके गृह कार्य में, एंड टॉक्ड अबाउट इट, और इसके विषय में वार्तालाप भी किया, बातचीत भी की, एंड द टीचर्स वर पीपल, और पढ़ाने वाले जो थे वो क्या थे, लोग थे, मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो यांत्रिक शिक्षक थे, अब जो फ्यूचर के स्कूल के बारे में इस लेसन में बताया गया है, तो मार्जी जिस स्कूल में पढ़ती थी वो क्या था, फ्यूचर का स्कूल था, तो उसमें मैकेनिकल टीचर थे, माने रोबोट वगैरह, ठीक है, कंप्यूटर से पढ़ाई होती थी सारी, तो द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन,
जो यांत्रिक शिक्षक था वो स्क्रीन पर, फ्लैश माने होता है चमकना, स्क्रीन पर आ रहा था, स्क्रीन पर क्या कर रहा था, आ रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्न को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, मार्जी सोच रही थी अबाउट बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि जो पुराने समय में है, जो पुराने समय में है वो बच्चे किस तरीके से एंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो इस विषय में भी सोच रही थी कि वो किस प्रकार से मस्ती करते थे, किस प्रकार से मजाक करते थे। तो आज के लिए आपका जो ये लेसन है, लेसन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। लेसन 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे लेसन 1 की जो मीनिंग है, जो आपके पेज नंबर 14 पर दी गई है, ठीक है, उन मीनिंग्स को अच्छे से पेयर कॉपी पर लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करें। कुछ बच्चे यहाँ भी दिखा सकते हैं, जब लाइव क्लास हो आपकी, ठीक है, नेक्स्ट डे, तो अपनी जो उन्होंने मीनिंग लिखी हुई है उनको भी दिखा सकते हैं। और मीनिंग लिखने का तरीका होगा वर्ड, फिर उनकी इंग्लिश मीनिंग और फिर उसकी हिंदी मीनिंग। जैसे लिखा है द पेज हेडेड, ठीक है, तो ये वर्ड है, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी द पेज टाइटल्ड, ठीक है। ये नहीं लिखना है कि वर्ड लिख लिया और हिंदी मीनिंग लिख लिया, ऐसा नहीं है। पहले वर्ड लिखेंगे, फिर उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे और फिर उसकी हिंदी मीनिंग लिखी जाएगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी वोकैब को, जो ये दी हुई है ग्लॉसरी आपकी, इसको जितनी जल्दी हो सके याद कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन अवश्य आता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, 30 वर्ड के और 150 वर्ड के, वो भी लिखवाए जाएंगे, क्योंकि प्रोज के अंतर्गत आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है, 30 वर्ड वाले छोटे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 आएंगे, एक 150 वर्ड का क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से हमारी जो बिहाइव बुक है, जो सप्लीमेंट्री होती है, ठीक है, मोमेंट्स नाम की जो बुक है, उसमें भी क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे, और बच्चे ऑनलाइन क्लास में ही अपना रजिस्टर, ठीक है, दिखा सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपना जो फेयर वर्क किया है वो अवश्य भेज दें। और सभी बच्चे 10 बजे, ठीक है, लिंक ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ताकि आपको प्रॉपर वे में स्टडी कराई जा सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।